नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, शेखावाटी पहली बार करवाएगा परीक्षा परिणाम की जांच, गड़बड़ी पर कॉपी जांच करने वाले होंगे ब्लैकलिस्टेड। तो यहाँ पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी से रिजल्ट्स को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ पेपर में आज के में बड़ी अपडेट है, वो यहाँ पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है। कुछ पॉइंटों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे BA में 1300 एंड BSc में 200 स्टूडेंटों को फेल करने का आरोप है, वो यहाँ पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी की ऊपर यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे अपडेट्स हैं, वो यहाँ पे जारी की गई है। तो यहाँ पे स्नातक परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर विवि को 500 से अधिक स्टूडेंटों ने दर्ज करवाई थी आपत्ति। तो यहाँ 500 से अधिक स्टूडेंटों ने यहाँ पे रिजल्ट्स को लेकर के स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ पे आपत्ति है वो यहाँ पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी में दर्ज करवाई थी। यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में BA व BSc के मुख्य परीक्षा परिणाम में गलतियां का मामला उठने पर विवि प्रशासन ने प्रभावित स्टूडेंटों की कॉपियां जांच करने का निर्णय लिया। जांच में गड़बड़ी मिली तो कॉपी जांचने वालों को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। अगर कोई जांच में यहाँ पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जांच में यहाँ पे गड़बड़ी मिलती है कॉपी चेक करने में, तो जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड है वो यहाँ पे किया जाएगा। जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनको राहत दी जाएगी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का दावा है कि जिन स्टूडेंटों को भी यहाँ पे रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिली है, जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको यहाँ पे राहत दी जाएगी। विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले BA व BSc के छात्रों को कम अंक मिलने व फेल की शिकायत पर कुलपति प्रोफेसर भागीर सिंह बिजानिया ने निर्णय लिया है। एंड यहाँ पे एक साथ विभिन्न कॉलेजों के कई छात्रों को इतने कम अंक मिलने व फेल पर उन्होंने विद्यार्थियों से आवेदन आने के बाद जांच समिति गठन कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश किए। तो यहाँ पे आपकी कॉपियों को यहाँ पे दोबारा से चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि आप रेगुलेशन का फॉर्म लगाएं या नहीं लगाएं। तो इसमें आपको यहाँ पे जो रेगुलेशन का फॉर्म है वो यहाँ पे आपको अभी नहीं लगवाना है, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी यहाँ कॉपियों को दोबारा यहाँ पे जांच करेगी और आपका रिजल्ट है वो भी यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर किया जाएगा, यूनिवर्सिटी का ये कहना है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सोच समझ के रेगुलेशन का फॉर्म लगाना। आप यहाँ पे एक दो दिन रुक के जो जल्द आपका जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का परिणाम है वो यहाँ पे दोबारा से जारी किया जाएगा, तो उसका आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर उसमें आपकी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, फिर आप यहाँ पे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, तो फिर आप यहाँ पे रेगुलेशन का फॉर्म है वो यहाँ पे दोबारा लगवा सकते हैं। अभी तक आपको यहाँ पे जो रेगुलेशन का फॉर्म है वो यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो PDSU है वो यहाँ पे आपकी कॉपियाँ हैं वो यहाँ पे दोबारा चेक करने वाली है। जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पे जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है आपत्ति जताई है, उसके अनुसार यहाँ पे आपकी कॉपियाँ हैं वो यहाँ पे दोबारा चेक होने वाली हैं। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी को लेकर के। यहाँ पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने 6 जुलाई को BSc फाइनल का रिजल्ट जारी किया था। एग्जाम में सीकर, झुंझुनू के कॉलेजों के 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल थे। रिजल्ट में जूलॉजी और बॉटनी के पेपर को परीक्षा से गैर हाजिर बताकर 1300 से ज़्यादा स्टूडेंटों को फेल किया था और 2400 से ज़्यादा स्टूडेंटों का परिणाम यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे रोका गया था। फिर यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने वेबसाइट पर जो मार्कशीट अपलोड की थी उसमें स्टूडेंटों के 00 नंबर आ रहे थे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट कॉलेज वालों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने जो मार्कशीट हैं वो यहाँ पे अपलोड की थी, तो उनमें यहाँ पे कई स्टूडेंटों के 00 नंबर यहाँ पे शो कर रहा था। फिर ऐसे में MSc में दाखिला लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना विद्यार्थियों के लिए कठिन हो सकता है। स्टूडेंटों का आरोप है कि कॉपियों को सही तरीके से यहाँ पे चेक नहीं किया गया एंड BA व BSc के परिणाम से प्रभावित छात्र छात्राओं ने PM और CM पोर्टल पर भी शिकायत की थी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे कई स्टूडेंटों ने यहाँ पे आपत्ति जताई थी। इस पर यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यूज़पेपर में यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है, न्यूज़ आई थी इसमें यहाँ पे आप कॉपी चेक यहाँ पे कॉपियों में शेखावाटी विवि पहली बार करवाएगा परीक्षा परिणाम की जांच, तो आपकी जो परिणाम है उसकी यहाँ पे दोबारा से जांच होने वाली है। गड़बड़ी पर कॉपी जांच करने वालों को यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो आप यहाँ पे निश्चिंत रहे, आपकी कॉपियाँ हैं वो यहाँ पे दोबारा चेक होने वाली हैं, आपका दोबारा से जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा और आपको जो रेगुलेशन के फॉर्म है वो यहाँ पे
अभी आपको नहीं लगवाने हैं, क्योंकि जो परिणाम है वो यहाँ पे आपका दोबारा से जारी होगा। दोबारा आपका परिणाम जारी होगा तो आप अपने परिणाम को देखिए, फिर आप सेटिस्फाइड परिणाम से नहीं है तो आप फिर आप अपनी कॉपियाँ हैं वो यहाँ पे दोबारा चेक करवा सकते हैं। तो अभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट थी शेखावाटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर अपडेट आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।